मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जम्मू कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार धारा हटाने की वकालत भी की। आते ही जो उनका परम सौभाग्य है कि वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब मैं बहुत पहले जब मैं संस्कृति और टूरिज्म मिनिस्टर थी तभी मैंने ये बात कही थी कि इस पृथ्वी का समय का जो उदाहरण है वो ग्रीन विच से नहीं है, वो जेन से है। लेकिन चूंकि वो यूरोप में एक चलन हो गया है, क्योंकि सूर्य की जो पहली किरण है वो जापान में उगता है सूर्य, लेकिन सूर्य की जो पहली किरण है वो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप के एक छोटे से उपद्वीप के ऊपर पड़ती है। और ये जो समय का निर्धारण है, मैं मानती हूँ कि अभी ग्रीनविच मीन टाइम से ही हम चलेंगे, रात के 12 जो हमारे बचते हैं साल के आखिरी दिन में वो हम उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन यह भी एक शोध का विषय है कि उज्जैन का नाम जो महाकाल पड़ा महादेव का, ये समय का स्वामी है, क्योंकि मंगल ग्रह के सबसे नज़दीक जो स्थान है वो मंगलनाथ है, आज मंगलवार है और ये समय के स्वामी हैं। इसलिए इसका भी विचार होना चाहिए। सिर्फ भारतीय होने के कारण और हिंदू होने के कारण मैं ये बात ना कहूँ, ये मेरे लिए भी शोभा नहीं देगी। दीदी, देश भर में 35A की बात चल रही है, क्या कहना है 35A कश्मीर से हटाने की बात चल रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में फाइनल तो जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी, जब जम्मू कश्मीर की सभा बैठी थी जी, तो उसमें एक जिलानी साहब थे, उन्होंने तो धारा 370 को भी जम्मू कश्मीर के खिलाफ भेदभाव कहा था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 लगाना यानी कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव करना है। इसलिए जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को आम भारतीय नागरिकों के तरह सारे अधिकार और सारी सुविधाएं मिलें, यही ज़रूरी है। उन विशेष अधिकारों का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। दीदी, एक बात हो रही है कि सावन में जिस तरह से अंदर गर्भगृह में प्रवेश बंद होता है और एक ड्रेस कोड होता है महिलाओं के लिए कि साड़ी पहन के जाएं, कुछ यहाँ के पंडित पुजारी कहते हैं कि जैसे अभी आप आए हैं जिस तरह का सोलह ये पहन के, तो वो इस पे आरोप लगाते हैं कि ये गलत जो है ड्रेस कोड है आपका। जो आप नहीं, वो जो ड्रेस कोड बना था वो वेस्टर्न ड्रेस कोड के लिए है, जो पंडित जी लोग का जो ड्रेस कोड है वो ठीक है। मेरे लिए भी मैं जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं जाऊँगी, सलवार और कुर्ता पहन के नहीं जाऊँगी। पंडित जी कहते हैं कि साड़ी पहन के भी कहना ठीक है, मुझे अगली बार साड़ी गिफ्ट कर देना पहनूंगी। ये जो मध्य प्रदेश में जो उठापटक चल रही है, जो दो विधायक, ना ना ना, उज्जैन महाकाल में कोई उठापटक की बातें नहीं करनी। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।